कर दोस्तों, उम्मीद सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहां पर बात की जाए तो इस समय रौनक भागता हुआ नजर आएगा पुलिस कस्टडी के अंदर से, क्योंकि दोस्तों ये पूरी की पूरी प्लानिंग किसी और की नहीं बल्कि शगुन की थी। ताकि शगुन की प्लानिंग ये थी कि यहाँ से भाग जाए और मैं फाइनली एक ऐसा टंडअप करूँ जिससे सुमित को हारना ही पड़ेगा, सुमित की ज़िंदगी को तबाह कर दूंगी। इधर बात की जाए इस लोक की तो दोस्तों इस लोक की माँ लगातार इस लोक की शादी की तैयारी कर रही है, क्योंकि अगले दो दिन में वो इस लोक की शादी कर देना चाहती है। लेकिन सुमित को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसको कोई भी इस तरीका का ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा है जो कि वो ऑप्शन कुछ याद कर सके। आप लोग जानते ही हैं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक नहीं बल्कि समय एक और भी नया ट्विस्ट लाती हुई नज़र आने वाली है। यहाँ पर साफ साफ तरीका से बोला जाए तो अब खुद बोलती हुई नज़र आने वाली है सुमित। सुमित अपने भाई राज से बोलती नज़र आएगी कि भाई कुछ तो करो इस लेडीज़ के विरुद्ध, क्योंकि दोस्तों विरोध करने के लिए बहुत कुछ करना भी ज़रूरी है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीका से आश्वासन देता हुआ नज़र आ रहा है राज। राज ने बोल दिया है कि तुम चिंता मत करो किसी भी तरीका की, मैं इसको ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि ये दोबारा तुमसे टक्कर नहीं ले पाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप लोग जानते हैं कि प्रॉमिस कभी भी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है तो वो कोई और नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा दुखी इस समय सुमित ही नज़र आ रही है इस समय शगुन से। क्योंकि शगुन और रौनक लगातार मीत हुड्डा के बच्चों की ज़िंदगी में जहर घोलना चाहते हैं, और जहर घोलने के पीछे का रीज़न भी आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि आने वाली कहानी ही कुछ इस तरीका का लगातार ट्विस्ट लाती हुई नज़र आ रही है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा।